हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली तड़का। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं चिकन दो प्याज़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन दो प्याज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन, हमें चाहिए 4 से 5 हरी मिर्चें, कुछ चवे लहसुन के और अदरक। इसे हम हाथ से कूटेंगे क्योंकि हाथ से कूटने का जायका ही कुछ और आता है। आप चाहें तो मिक्सी में भी चला सकते हैं। हमें हल्का दरदरा चाहिए जिसके लिए मैंने प्रेफर किया है हाथ से कूटना। आप देख सकते हैं इस तरह से हो जाना चाहिए। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हमें चिकन में 1 चम्मच नमक डाला है हमने, हल्दी हम 1 चम्मच डालेंगे, हल्दी थोड़ी ज़्यादा डालेंगे इसमें, 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है हमने, और ये 1 बाउल आप देख सकते हैं मैंने दही डाला है। अब इसमें हमने जो मसाला कूटा था वो आधा मसाला हम इसमें मैरिनेट करते हुए मिलाएंगे। इसे हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ देंगे। अब हम मसाला प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 4 बड़े टमाटर जिसको हम इस तरह काट के मिक्सर में चला लेंगे। हमें इसकी प्यूरी बनानी है। अब हमें चाहिए 2 बड़े प्याज जिसको हम काटेंगे। आप किसी भी तरह काट सकते हैं, मैंने इस तरह रफली काटे हैं, आप चाहें जैसे मर्जी काट लें इनको, क्योंकि हमें इनको बारीक चॉप करना है। अब मैंने चॉपर में डाल के इनको चॉप कर लिया। एक्चुअली मेरा चॉपर छोटा है तो मैंने एक एक करके प्याज को चॉप किया है। आपका बड़ा हो चॉपर तो आप दोनों एक साथ कर सकते हैं। ये हमारी प्याज चॉप हो चुकी है। अब हम एक कुकर लेंगे, गैस ऑन करें और इसमें 1 चम्मच हमने घी डाला है। थोड़ा सा घी मेल्ट हो जाए तो हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। घी और ऑयल दोनों मिक्स करके बनाते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें कुछ गर्म मसाले, लौंगे, इलायची, ज़ीरा और काली मिर्च को ऐड करेंगे। अब हम इसमें चॉप की हुई प्याज डालेंगे। इसकी अच्छे से हम भुनाई करेंगे। ध्यान रखें कि हमें ये जो हम जो प्याज भुनाई कर रहे हैं इसे हमें सुनहरा नहीं करना है, हमें आज कच्ची प्याज चाहिए। ये हमारी प्याज हो चुकी है रेडी। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर रहे हैं। अब इसमें हमने डाली है 1 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे कलर के लिए। अब हम इसके अच्छे से भुनाई कर लेंगे। नमक स्वाद अनुसार ऐड करना है। ये आप देख सकते हैं हमारे मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हमने इसमें ऐड किए 1 कटोरी दही। इसे अच्छे से भून लेंगे। दही कच्ची नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब इसे हम ढककर रखेंगे हल्की आंच पे, जब तक ये पानी ना छोड़ दे। ये देखिए इसे पानी छोड़ दिया, कितनी अच्छी रंगत निकल कर आई है। जब तक ये पक रहा है आइए हम आगे की रेसिपी देखते हैं। हमें इसके लिए चाहिए 2 से 2-3 शिमला मिर्च जिसको इस तरह काटना है कि बीच के सारे इसके बीच निकाल लेने हैं। 1 बड़ी प्याज लिए हमने जिसे इस तरह काटा है। आप चाहे जैसा काट सकते हैं। दो टमाटर लिए हैं हमने, इसे 4 खानों में टमाटर को भी काट लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर जो हमने काटे थे। अब इसे कुछ देर और ढककर रख देंगे। ये देखिए अब हमने इसमें ऐड किया है 1 ढक्कन सिरका। ये ऑलमोस्ट हमारी डिश रेडी हो चुकी है, बस 5 मिनट और रखना है इसको।
और ये देखिए कितनी अच्छी डिश बनी है हमारी, चिकन दो प्याज़ा। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और जब भी आप ट्राई करें प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। सो यम, मस्ट ट्राई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।